पर मिलना ही चाहता था। मेरा बहुत मन था जरूर मिलना है, मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा एक बार तरते जरूर मिलूंगा। हमने सोचा था हम जब दिल्ली जाते हैं तो हमें वहाँ खुशहाली मिलेगी, हमारा परिवार अमन चैन में रहेगा, यानी सही रहेगा, हमारा खान पान सही हो जाएगा दोनों टाइम का, मगर यहाँ और ज़्यादा बदतर हो गया। गरीबी में झुलसता ही रहा, झुलसता ही रहा, झुलसता ही रहा। सर मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बस इतना ही है दोनों टाइम का खाना मिल जाता है मुझे, और मिलता है फिर भी खुशी कम मिलता है तो ज़्यादा पानी पी लेता हूँ। अब बच्चों के लिए इतना भी नहीं है कि किसी नीच के अगर बरसात होती है तो मैं किसी छत के नीचे इन्हें ले जाऊँ, कहाँ बिठाऊँ, कहाँ क्या करूँ। अब गाँव में एक मकान भी है, वो सर किस टाइम गिर जाए किस टाइम ना गिरे कोई भरोसा। और वहाँ कौन रहता है? कोई हमारा है ही नहीं, और कोई नहीं खाली रहता हमारा। हाँ अब तो आप हैं हमारे परिवार के सर, हमारा कोई नहीं है इस परिवार में। मुझे तो सर कोई फल नहीं मिला, मैं तो मेहनत किए ही जा रहा हूँ मैं तो। सरकारी ऐसी है सर, किसी जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। मेरी बेटी यार बैठ। हाँ परिवार है ये, परिवार है भैया तेरे। कौन सी बुक अच्छी लगती है? मेरे को पोल साइंस ज्यादा अच्छी लगती है। पोल साइंस क्या, उसमें क्या अच्छा लगता है? पॉलिटिक्स के बारे में जानने को मिलता है। बताओ क्या, थोड़ा मुझे समझाओ पॉलिटिक्स के बारे में क्या 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 अच्छा लगता है? अपने नेता के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। आरतियों का बर्ताव आपके साथ कैसा हो? मैं गया था आरतियों का बर्ताव, गया छोटे आदमी की तो कोई गिनती है नहीं, जैसे चार लोग ले रहे हैं एक एक यानी पीस ले रहे हैं, तो मेरी आधी पीस लेने की हिम्मत है तो आपसे कहीं पाऊ जी आप ले लो आधा, मुझे 10 रुपये महंगा दे दो आधा ले लो आप। तो मेरा तो दो चार लोग होते हैं उन्हीं का हाथ जोड़ लेता हूँ कि भैया तुम सब लेते हो थोड़ा मुझे भी दिलवा दो ऐसे भी। अब बीमार पड़ गया, जैसे मेरी टांग में लग गई तो मैं काम पे नहीं जा पाया, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कर्जा भी हो गया।